Got drunk off your life, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. On the wild and on the brave, but this time I won't collide like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it. I can't give it. I won't give it. हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल रावत राइडर पंकज। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती में होंगे और हम भी हैं। और जैसे कि हम गए हुए थे आज कुछ शॉपिंग करने हुए के लिए, तो और यहाँ हो रही हमारी वीडियो एडिट पे लगेंगे। अभी थोड़ा काम वाम कर लेते हैं और हमने कुछ सामान लिया हुआ है। और जैसे कि यार हमने प्लान करा हुआ था कहीं घूमने का, तो ट्रैकिंग के लिए हमें कुछ सामान चाहिए हुआ था। पिछली बार का बैग जो हमारा ख़राब हो गया था, तो हमने नया बैग लिया है। और कैंपिंग और ट्रैकिंग का पूरा सामान यार हमने जो भी लेना था विनायक शेल से लिया हुआ। और ये हमने कुछ प्रोडक्ट पहले ही अमेजोन से मंगा ली थी, ये प्रोडक्ट भी वहीं पर मिल जाते हैं। ये हमने टॉर्च मंगाई थी, ये चार्जेबल टॉर्च कुछ इस तरीके से। और इसमें एक ये भी है जो शीशे तोड़ने के काम आता है। और मैंने इसकी रोशनी देखी थी, बहुत अच्छी खासी है रोशनी, इसकी ब्रॉड है। और इसमें एक फ्लैशर है और एक यहाँ पर भी लाइट दे देते हैं, ये इस तरीके से कुछ है। और इसमें मेन सही है यार, जहाँ पे हो चार्ज कर लो। और ये कम से कम हो गए होंगे, ये दे देती है आराम से 2-3 दिन से ऊपर दे देती है। ये नॉर्मल कंटिन्यूस भी चलाओगे, नॉर्मल चलाओ तो भैया बहुत लंबा है। और इसके साथ ये एक लाइट और आई थी, ये लाइट मैंने कैमरे के लिए रखी हुई है। कैमरे पे जब रिकॉर्डिंग करनी हो तो इसे जला लो। ये कैसी आ रही है शक्ल, अच्छी आ रही है ना। तो इस पर भी 3 मोड हैं ये इस तरीके। और ये मेरे को पड़ा था, मेरे को 400 कुछ रुपए का पड़ा था दोनों। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, आप भी चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। और मेन इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, ये मंगाया था हमने रक्षक बैग, ये ट्रैकिंग के लिए बहुत बढ़िया बैग है। और इसकी मेन चीज़ मेरे को ये अच्छा लगा, एक तो इसमें कैपेसिटी है 90 लीटर का है। और ये है एक्सट्रीम मसीह, ये भी लाया था मैं विनायक सेल से। वहाँ ऑलमोस्ट सारा सामान मिलता है, क्या कहते हैं, जैसे कैंपिंग का हो गया, लाइक चेयर्स हो गई, या आपको क्या कहते हैं टेंट चाहिए, या स्टिक चाहिए, गैस चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक ब्लॉग बना दूंगा और सारी चीज़ें वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल हैं वो भी मैं बता दूंगा, और विथ प्राइस जो होगा। तो इसका भी मैं ब्लॉग ये सेपरेट आएगा, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमने जो चीज़ लिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ये मैंने लिया, मेरे को बहुत सही लगा। वहाँ पे मेरे को 2-3 बैग और मिले थे मेरे को, बट यही लेना था। इसमें मेन क्या है, क्वालिटी अच्छी है इसकी, बिल्ड यानी कि कहते हैं ना कपड़े की क्वालिटी है, ये देखिए। और ये 90 लीटर का कुछ अच्छा खासा है इसका। और मेन इसमें जो इसकी पैडिंग है बहुत अच्छी है, ये थोड़ी हार्ड है यहाँ पर। और इसमें एक ये आप बैग लेते हो तो इसके अंदर एक रॉड सी है, यहाँ पर दिख रही होगी, ये देखो आपको, उसमें एक रॉड है। आपको यदि निकालनी हो तो आप यहाँ से निकाल लो, ये रही। अभी तो हम वापस इसको लगा देते हैं इस तरीके से कि एक से ये रॉड की थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ रही है इसको लगाने में, क्योंकि हमने खोल दिया। तो ये इसमें एक अच्छा खासा कंपार्टमेंट है। और एक यहाँ पे एक कंपार्टमेंट यहाँ पे भी है, जिसमें आप यार जैसे आपके गीले कपड़े जूते डालने हो तो ये अलग से है, ये इतना कंपार्टमेंट है यहाँ पे। और इसके नीचे ये यदि आपको कुछ नहीं डालना तो इसको आप यहाँ से खोल दो, तो ये पूरा बैग यहाँ तक यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे इनने लॉक दे रखा है, इसे लॉक लगाया और यहाँ पे आपके कपड़े रुक जाएंगे। और यहाँ पे आपने जूते और गीले कपड़े सबको डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे का एक यहाँ पे एक जिप है, यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो। कुल मिला के यार यहाँ पे इसमें कहते हैं ना स्पेस की कोई कमी नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे भी एक स्पेस दे रखा है इनने प्रॉपर, ये देखिए यहाँ पे भी आपको स्पेस है। यहाँ पे छोटी मोटी बोतल या कुछ वैसा सामान डालना है तो डाल सकते हो। और मेरा बेटा पीछे से आओ नो लगा हुआ है, ये देखिए पीछे से कैसे लगा हुआ है ये। बी। तो ये है प्रॉपर भाई यार, पैडिंग के मामले में बहुत सही लगा, ये सॉफ्ट भी है, मैंने टांग के देखा, इसमें फंक्शनलिटी यानी कि बोलते हैं ना जगह बहुत ज़्यादा है। और मेन चीज़ ये भी है इसमें, यहाँ पे एक, मैंने ये तो बताना भूल गया, यहाँ पे एक बैग और अटैच है। अरे ये कुछ और जेल खोल दिया, ये एक बैग और है। यदि आपको क्या कहते हैं बैग दूसरा, यदि कहीं जा रहे हो और आपको ये पूरा बैग ले जाना, इसको होटल में रख दीजिए और इसमें जो काम का सामान है जितना आपको रिक्वायरमेंट है इसमें डाला और टांग के ले गए, इस तरीके से बस, ये बढ़िया हो गया। तो इस तरीके से ये है, मेरे को कुल मिला के सही लगा। और इसके नीचे ये रेन प्रूफ, बारिश में गीला ना हो उसके लिए भी मैंने यहाँ पीछे जगह दे रखी है, जिसमें यह आपका बैग को बारिश से बचाने के लिए दे रखा है, तो इसे आप डाल सकते हो। दूसरी चीज़, आपको जब यहाँ बैग टांगोगे तो प्रॉपर इसका प्रॉपर जब टांगोगे तो ये आपकी बैग को स्ट्रेट रखेगा, यहाँ पे पूरा वजन आपकी बैग पे नहीं आएगा, तो ये स्ट्रेट रहेगा जब आपको पूरा टाइप कर दोगे। तो कुल मिला के ये हमने लिया था रक्षक बैग, और एक दो चीज़ें हमने और ख़रीदी हैं ट्रैकिंग के लिए, जहाँ हम जा रहे हैं जल्दी आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए लिया हमने एक तो ये है जूतों का रेन कवर, यदि जूते गीले ना हो, ये हमने लिया है रेन कवर, इस तरीके का लुक है इसका। इस पर चेन है, एक चेन लगी हुई है, यहाँ पे खोला और इसमें जूते में डाल लिया, डायरेक्ट डाल दिए जूते अंदर, उसमें आपके जूते आराम से आ जाएंगे, गीले होने से भी बच जाएंगे यदि आप कहीं पर पानी वानी जगह पे जाते हो। हमने लिया हुआ था ये बर्नर, और इसके साथ हमने ये कैप ली हुई है, और ये वैनहेंसर का हमने इसमें बूटेन गैस लिया, ये हमें 150 रुपये की पड़ी, और ये हमें पड़ा 650 का, वहाँ पर और तरह की क्वालिटी भी थी तो वो 700 रुपये की थी, वो भी अच्छे थे बट मेरे को ये ज़्यादा पसंद आया तो मैंने ये ले रखा है। तो इसको कुछ इस तरीके से ओपन होता है, ये अभी देखिए जला के दिखाता हूँ आपको, इसकी जो क्वालिटी है बहुत सही है यार, हैवी है, और इसके ऊपर अच्छा खासा आप वज़न रख के खाना पका सकते हो। इसको प्रॉपर पहले खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और जो ये वाला है इसके लिए यार, जैसे ये नॉर्मल है, ये वाली गैस लगाने के लिए आपको ये कनेक्शन ज़रूरी चाहिए होगा, इसके बिना आप ये बोतल कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ये जो बोतल है ये कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और आपको ये लगाना ही पड़ेगा इस तरीके से, जैसे आपने इसे प्रॉपर इसे ये फिट होगा यहाँ पे, ये होगा इस तरीके से फिट होगा यहाँ पे, ये हो गया टाइट। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, ये ओपन करना है, ये ऐसे करना है, और ये प्रॉपर सेट हो गया। बस कुछ नहीं करना अब आपको, यहाँ से हल्का सा ये ऑन करना है, ये ऑन करा, और यहाँ पे एक बटन दे रखा है इनने, यहाँ पे छोटा सा टांग गया इधर निन्ना सा बटन, ये रहा, ये वो बटन है, यहाँ पे ऐसे दबाया, थोड़ी सी ये जल गया आपका। और यहाँ पे जो फ्लेम है इसको आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ये देखिए बहुत अच्छा यार इसकी फ्लेम है, और खाना आप आराम से बना सकते हो इस पर, और ये 2 से 2.5 घंटा चलता है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, तो हमने ये लिया हुआ है फाइनली ट्रैकिंग के लिए, और कहीं पर हमें रुक के खाना और चाय बनानी होगी तो हम इसी पे बनाएंगे, ये और कुछ और चीज़ें भी हमने लेनी है वो बाद में ले लेंगे। तो ये चीज़ हमने ओवरऑल ली हुई हैं, थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे, तो जो आगे का ब्लॉग आने वाला है वो पूरा क्या कहते हैं ट्रैकिंग के सामान का आ जाएगा कि कहाँ पे, क्योंकि सारी की सारी एक ही दुकान पे मिल जाती हैं चीज़ें, तो प्रॉपर आपको देखें ये करके ये चलानी है, काम कर लीजिए। तो फाइनली ये चीज़ें हमने खरीदी थी, तो होप करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, जब तक मिलते हैं गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मौज करो।